दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और ऑस्ट्रेलिया के पार्ट 3 में आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के आर्टिजियन वेल्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको आर्टिजियन वेल्स के बारे में बहुत थोड़ा सा बताया कि ऑस्ट्रेलिया में इनका हमें मतलब ये देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने नहीं समझाया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि अगर इसको हम बताते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है। चाहे तो हम लोग बस इतना समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आर्टिजन वेल्स पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है कि ये जो वेल्स हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये जो फिगर है आप देख रहे हैं, इसी फिगर को मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी यूज़ किया था, और इसमें बस मैंने आपको यही दिखाने के लिए इसको यूज किया कि यहाँ पे आप देखिए लिखा है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। तो ऑस्ट्रेलिया में जो ये पूरा रीजन है, ये हिस्सा जो है जहाँ पे लिखा है, इस हिस्से में जो आर्टिजियन वेल्स हैं वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे है क्वींसलैंड, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, और यहाँ पे है विक्टोरिया। आपको ऑस्ट्रेलिया का जो क्लासिफिकेशन पूरा है उसके अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं वो पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है नॉर्दर्न टेरिटरी है, साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है और विक्टोरिया है, और यहाँ पे तस्मानिया है। तो ये क्वींसलैंड में, न्यू साउथ वेल्स में, इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ये जो पूरा रीजन है यहाँ पे आर्टिजन वेल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे एक तस्वीर आ रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिजन वेल्स सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में इसी रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम लोग आर्टिजन वेल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेशन है, बस स्टोरी की तरह आपको सुनना है और उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल फील करना है, समझना है अच्छे से। यहाँ पे मान लीजिए ऊपर एक ऐसी चट्टान की लेयर है जो कि प्रवेश्य है। प्रवेश्य किसको बोलेंगे? प्रवेश्य बोल सकते हैं उसको, हम पारगम में भी बोल सकते हैं। जैसे जब यहाँ पे रेनफॉल हो, जैसे मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, ऐसा फिगर आपको किताब में कहीं नहीं मिलेगा, नेट पे आप जाएंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स मिलेंगे, लेकिन ये बस आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाने का प्रयास किया कि ये आर्टिजन वेल का कॉन्सेप्ट फिर आप लोग कभी भी ना भूले, क्योंकि जब आप लोग ग्राउंड वाटर पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद जो ऊपर की लेयर है सरफेस की, मान लीजिए वो एक ऐसी लेयर है जो रॉक है, वो ऐसी रॉक है जो प्रवेश है। प्रवेश मतलब वो पारगम में है, मतलब कि इसमें जो भी वर्षा होगी तो जो वर्षा का जल होगा वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि वो अंदर चला जाएगा और उसके नीचे अंदर चला जाएगा और यहाँ पे वो स्टोर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉक की लेयर है बीच में, एक प्रकार का ये खाली स्थान हम मान सकते हैं, और यहाँ पर जो रॉक की लेयर है, ये जो रॉक की लेयर है ये अप्रवेश है, मतलब कि इस वाले लेयर में ये अपारगम में है। जो वाटर यहाँ पे एकत्रित हो गया, जल यहाँ से आया और इस हिस्से में भर गया, और यहाँ बट इसके नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर वाली ये वाली रॉक तो प्रवेश थी, लेकिन जो ये वाली रॉक है ये प्रवेश नहीं है, ये अपारगम है या ये अप्रवेश है। सिंपल। तो जब वर्षा होती रहेगी धीरे धीरे करते करते, तो इस हिस्से पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, और खुद ही आप सोचिए कि जब इस हिस्से पे बहुत प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यह स्थिति आएगी कि जैसे कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे कुआं खोदेगा, तो कुआं खोदने पे चूंकि प्रेशर पानी का बहुत है तो उसको बहुत खुदाई नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ही वो अगर खोदेगा तो तेजी से फव्वारे के रूप में पानी बाहर निकल आएगा। तेजी से क्यों आएगा? क्योंकि प्रेशर बहुत है। प्रेशर इसी चीज का है कि पानी नीचे जा नहीं पा रहा है, नीचे इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये वाली जो रॉक है ये अप्रवेश है, अपारगम्य है, और यहां तक क्यों पहुंच गया? क्योंकि ये वाली जो रॉक थी ये आपकी प्रवेश थी, पारगम्य थी। तो बस आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखना है कि जल यहाँ पे जब भर जाएगा और बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, जितना अधिक प्रेशर होगा उतना तेजी से फव्वारे की तरह जल निकलेगा।
और ये एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि इसी तरह का एक और हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर स्प्रिंग्स। तो कभी कभी पूछा जाता है कि जो ये आर्टिजियन वेल्स हैं और जो वाटर स्प्रिंग्स हैं, वाटर स्प्रिंग्स हम लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत देखने को मिलते हैं, उत्तराखंड में और बहुत सारी जगहों पे। तो वाटर स्प्रिंग्स और आर्टिजियन वेल में भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुआं एक खोदना पड़ेगा तभी जल बाहर आएगा, लेकिन जो हमारे वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, वाटर स्प्रिंग्स में यही है कि उसमें स्वयं मनुष्य को कोई काम नहीं करना पड़ता, वाटर स्प्रिंग में जल अपने आप बाहर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कुआं हमें पहले थोड़ा सा खोदना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है आर्टिजियन वेल में और वाटर स्प्रिंग्स में। यहाँ हम लोग मेनली आर्टिजियन वेल की ही बात कर रहे हैं, बट मैंने क्लियर कर दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही सिंपल है, फिर से हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे रेनफॉल हुई, जल यहाँ पे भर गया और ये प्रवेश चट्टान थी, और यहाँ जल इसके नीचे नहीं जा पाया क्योंकि ये चट्टान अप्रवेशित थी। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा वाटर का, और यहाँ पे जब थोड़ा सा भी कुआं खोदा जाएगा, बहुत गहरा नहीं भी खोदा जाएगा, तो तेजी से जल बाहर आ जाएगा, और तस्वीरों में आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। और अब छोटी सी चीज एक हम और देख लेते हैं कि जो ये आर्टिजियन वेल, ये जो टर्म है, एक मैप आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है बट मैंने पढ़ा था इसको एक जगह सर्च करके। इस लेक्चर में एक छोटी सी चीज और हम ऐड करेंगे, एक बार हम एक रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे तो वहां पे एक चीज मुझे मिली कि ये जो आर्टिजियन वेल है, ये जो टर्म आया, ये आर्टोइस नॉर्थ फ्रांस में एक स्थान है उसी के नाम पे है, वहां पे इस प्रकार के वेल्स पाए जाते हैं, निश्चित ही पाए जाते होंगे तभी ये नामकरण किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मियांडर, मैंने पढ़ाया है कि मियांडर एक नदी है टर्की में, वो मियांडरिंग बहुत करती है, तो उसी के नाम पे उस प्रोसेस का नाम मियांडर रखा गया। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है आर्टोइस, ये मैप में आप देख रहे हैं नीचे पिकार्डी लिखा हुआ है, नॉर्थ फ्रांस में। पिकार्डी से आप सभी लोग परिचित होंगे, फ्रांस में बहुत सारे जो हमारे विद्वान हैं जैसे कि ब्लाश, ब्रूंश, डिमांजिया, मार्तोने, तो पिकार्डी पे काम काफी विद्वानों ने वहां पे किया हुआ है, और बहुत सारी बुक्स लिखी है पिकार्डी पे, रीजनल ज्योग्राफी लिखी है पिकार्डी की। तो पिकार्डी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है फ्रांस में। तो कभी कभी हम लोग पढ़ते रहते हैं कुछ, लेकिन चीजें एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, तो ये छोटी सी चीज थी, नोट कर लीजिएगा कहीं पे इसको। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, छोटा सा भी वीडियो था, बस मुझे आपको आर्टिजियन वेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वही समझाना था। और अब नेक्स्ट हम लोग आगे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है इसका पार्ट 4 करेंगे और उसके ड्रेनेज पे बात करेंगे। फिलहाल इसमें इतना ही, थैंक यू फ्रेंड्स।